नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक बड़ी जानकारी मिली है। बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान को MBETS ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक की योजना बनाई गई थी, सुरक्षा बल भी निशाने पर थे। मिली जानकारी के अनुसार आतंकी फैजान को कंजर मोहल्ला सलूजा कॉलोनी खंडवा से गिरफ्तार किया गया। आतंकी के पास से भारी मात्रा में IM, ISIS और अन्य आतंकी संगठनों का जिहादी साहित्य, फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, सीमित सदस्यता के फॉर्म मिले। जब तो मोबाइल और डिजिटल डिवाइस में आतंकी संगठनों इंडियन मुजाहिदीन, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जिहादी साहित्य वीडियो भी मिले। बता दें कि गिरफ्तार आतंकी फैजान के प्रतिबंधित संगठन सीमी के सदस्यों से संपर्क मिले हैं। आज एक बड़ी सफलता ATS को मिली है, जब जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देश द्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में ATS द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पर हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैजान, पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। UAPA के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में IM, ISIS एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ सिमी संगठन के सदस्यता के जो फॉर्म्स हैं वो भी इनसे मिले हैं। इनके कब्जे में जो मोबाइल और डिजिटल डिवाइसेस मिली हैं, उनसे हम लोगों के पास कई फोटो और वीडियो इंडियन मुजाहिदीन, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फोटोज मिले हैं। और अभी हमारी इस पे तहकीकात जारी है, पूछताछ जारी है, हम लोग अभी इस पे आगे की विवेचना कर रहे हैं। और ये भी पाया गया है कि ये कई सिमी संगठन के जो पूर्व मेंबर्स थे उनसे भी संपर्क में था। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर, लश्कर ए तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। ये लोन उल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात यह था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था, ये इसकी डिज़ाइन थी। ये यासीन भटकल, जो इंडियन मुजाहिदीन का संस्थापक था और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनना चाहता था, और इसने अपने योजना को अंजाम देने के लिए स्थानीय जो अवैध हथियार के तस्कर होते हैं और अंतर्राज्यीय जो तस्कर हैं उनसे भी संपर्क कर रहा था। अभी इससे प्राइमा फेसाई हमारे पास इतनी जानकारी मिली है और इस पे UAPF के FIR किया गया है, इन्हें पुलिस रिमांड में लिया जा रहा है और इससे आगे पूछताछ करके और भी जो एविडेंस मिलेंगे, और भी जो लीड मिलेंगे, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा मैं और टाइम लेना चाहूँगा इस पे ये बताने के लिए कि ये ATS का पिछले 3 साल में 6 बड़े ऑपरेशन्स हुए हैं, जिसमें हमने
55 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और ये जो ऑपरेशन हुए हैं इसमें 6 विभिन्न विभिन्न जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पे कार्रवाई हुआ है। ऑपरेशन तो 6 से ज़्यादा भी हुआ है, उसका एक विवरण डाला हुआ है। और बाकी जो इंडियन मुजाहिदीन ISIS और अन्य संगठनों पे जो हमारी सफलता रही है उसका भी एक ब्रीफ प्रेस नोट में दिया गया। प्लीज सर, आपने इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।